को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अहोभाग्यशाली गीता अनुयायी कल्याण कामनी मेरी देवी हो बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याण कामनी मेरे सब जनों धार्मिक भाइयों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन की दिव्य संगत में एकत्रित हुए हुए बड़े चाव के साथ शरण कर रहे गए। अतीत में हुए उच्च कोटि के भक्तों द्वारा अपनाए गए दिव्य गुण इन्हीं के गुणों को अपना लेने के पश्चात मन विमल एवं निर्मल हो जाता है। जैसे गदले पानी में फटकड़ी मिला दी जाए तो कई बार देखा होगा, नहीं तो एक बार करके देख लीजिएगा, जल स्वच्छ होकर फटकड़ी नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जब बड़े शौक के साथ इन गुणों के साथ हम जब इंसाफ करने लगते गए, जन्म जन्मांतरों से दूषित एवं मल से भरा हुआ मन निर्मल हो जाता है। निर्मल होना तो शुरू हो चुका है आप सबका, वरना आपका इधर आने का चित भी ना चाहता। आपका आने ही ये बता रहा है कि मन निर्मल होता जा रहा है, एकाग्र होता जा रहा है और एक दिव्य शौक अपने कल्याण का उत्पन्न हो चुका है, बढ़ता जा रहा है। कई गुणों पर हम कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे गए, गहराइयों में उतरने की अपनी ओर से यथामति यथाशक्ति चेष्टा भी कर रहे गए। बहुत हमारे पर कृपा है श्याम सुंदर की, इष्ट देव महाराज जी की, जिन्होंने हमारे में ये लगन लगाई। केवल लगन ही नहीं, उस लगन को सिरे चढ़ाने के लिए हमें स्वर्ण अवसर भी इतने एकांत में दिया। आजकल का समय क्या लगे और इतना एकांत क्या लगे, आजकल तो शमशानों में भी एकांत नहीं रहा और प्रकार के शमशान बन चुके हैं आसपास। और या तो भगवान ने बिल्कुल प्रशांत वातावरण जिसमें ऐसी ब्रह्म विद्या एकाग्रता पूर्वक श्रवण की जानी चाहिए। कर लो अपने मन को एकाग्र, आगे बढ़े। इन दिनों हम देवी और सज्जनों 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रवेश किए हुए हैं। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं इस संसार का एक निराला द्वंद्व। ये तो आप भली प्रकार जान ही चुके हैं कि ये हमारा मृत्यु लोक द्वंद्वात्मिक है, द्वंद्वात्मिक, जहां पग पग पर आपको द्वंद्व मिलेंगे। द्वंद्व मैंने जोड़ा, तो संसार में भगवान ने कई प्रकार के जोड़े बना के फैला दिए हैं, बनाकर फैला दिए, रख दिए नहीं। जैसे एक सरसों की बूंद आप पानी से भरे हुए टब की सतह पर या तल पे डाल दीजिएगा, मिनटों सेकंडों में उसकी चिकनाहट फैल जाएगी। इसी प्रकार भगवान ने हमारे इस मृत्यु लोक के अंदर दंदों की चिकनाहट को फैला दिया है। फिर आज आपकी दुहाई करा देता हूं, क्या अब जैसे भगवान ने दिन बनाया तो दिन के साथ रात भी बनाई,
पता नहीं क्यों मैं क्या इस पर प्रकाश डालूं। मन का कुछ ऐसा स्वभाव बन जाता है मेरे सजनों मेरी देवियों कि हमारा मन एक को चाहता है दूसरे को नहीं, कई दिन को चाहती है रात को नहीं, कई रात को चाहती है दिन को नहीं, लेकिन होने दोनों है। अपना अपना पहरा इन्होंने देना है, दिन ने अपना पहरा देना है, रात ने अपना पहरा देना है। इस तरह संयोग और वियोग का जोड़ा, संयोग बहुत अच्छा लगता है, वियोग नहीं अच्छा लगता, पिट मरो रो लो, इन दोनों ने पहरा देना है, अगे अगे संयोग पीछे पीछे वियोग। आपको अच्छा लगे या न लगे, कौन पूछने आएगा आपके पास कि आपको अच्छा लगता है वियोग, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जो हमारे से कोई भी ना पूछे और समय अनुसार द्वंद वारी वारी आते जाए, उन्हें कहते हैं अटल द्वंद, अटल, नहीं टाले जा सकते जो किसी भी मूल्य पर। जीवन और मृत्यु, सबको जीवन अच्छा लगता है मृत्यु नहीं, लेकिन किसी ने पूछना आपको कि मैं आपको जीवन देता रहूं कि मृत्यु, नहीं, समय निश्चित है इतना जीवन होगा, उसके बाद यह बहाना बनेगा और मृत्यु आपका मिटिया मेट कर देगी। वाह, ये देखिए मैं एक बोलो साथ दूसरा भी है, आगे आगे जीवन पीछे पीछे मृत्यु। कल हमने विचार किया मान अपमान, आगे आगे मान पीछे अपमान, अब ये अटल नियम है, लेकिन मन एक को चाहता है, मान को अपमान को नहीं चाहता। अपमान के समय गंभीर हो जाएगा और मान के वक्त धीर बन जाएगा, ठीक। सेहत और बीमारी, आगे आगे सेहत पीछे बीमारी, मन एक को चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य बना रहे, मैं अस्वस्थ ना होने पाऊं, कौन पूछेगा आपसे, कौन ही पूछेगा। इस तरह चलो जरा इधर मौसम को देखें, सर्दी और गर्मी, आगे आगे गर्मी पीछे पीछे सर्दी, इनका समय बंधा हुआ है, अपना समय काट के चले जाती हैं। इसे इस तरह बसंत और पतझड़, आगे आगे बसंत पीछे पीछे पतझड़, इस तरह सुख और दुख, आगे आगे सुख पीछे दुख। तो आप जैसी विचारवती देवियां और विचारवान मेरे सज्जन पुरुष असाधारण तौर पर एकांत में बैठकर इस तथ्य एवं रहस्य पर खूब गंभीरता पूर्वक चिंतन करते हैं। ये गएगा हमारी सृष्टि, ये गएगा हमारी हमारे मृत्यु लोक, देव लोक को छोड़ो पाताल लोक को हम क्या बातें करें, हम तो मृत्यु लोक में आए गए, हम तो अपने घर की बातें करें, पड़ोसियों में क्या हो रहा है, या गली में क्या हो रहा है, इस मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमें इससे क्या लेना देना, हम तो अपने घर के लिए जहां हम टिके हुए हैं ठहरे हुए हैं, तो हमारा ये घर मृत्युलोक का है और इससे द्वंद ही प्रधान है। ध्यान से सुन लो मेरे सजनों मेरे देवियों, द्वंद प्रधान, हमारे ना चाहने पर भी दूसरा द्वंद आएगा। समझाओ मन को आपका, एकांत में बैठ के समझाना कि मन तू चाहे ना चाहे दिन के बाद रात आएगी, ऐसा ना हो ये नहीं हो सकता। मन को समझा लो, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, अनेक बार समझाओ, पहले हमने कभी विचार ही नहीं किया। सबका ये स्वभाव बना हुआ इन द्वंद्वों में से कोई भी दोनों को नहीं चाहता है ना, सामान्य एवं एक साधारण जीव दो में से एक चाहता है, लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा, या हमारे चाहने पर वैसा हो जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हमें कहीं नहीं झुकना चाहिए। जब हमारी मानी नहीं जानी, भगवान ने अपनी मनमानी करनी है, अपने बनाए हुए नियमों की कदर करनी है, भगवान ने अपने नियमों को उन्हें मनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम अपने मन को कुटस्थ तटस्थ इंडिफरेंट बना रखे। सुनना, मैं प्रकाश डाल रहा हूं, ना हम सर्दी की ओर झुके, ना हम गर्मी की ओर झुके, ना मान की ओर झुके, ना अपमान की ओर झुके, जैसा भी हो रहा है ठीक हो रहा है, भगवान का यह अटल नियम है,
पर ऐसा करेगा कौन? हम कहीं भी ना झुके, ऐसा कब होगा? ये तो हो नहीं सकता है। फिर मैं बोलने क्या जा रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं ऐसा तो नहीं हो सकता। लाजमी तौर पर हमें झुकना पड़ेगा। कहां? मैंने कहा ना, आप गर्मी सब्जी तो वारी वारी आनी है, मान अपमान वारी वारी आना है, जीवन मृत्यु बार बार, आप कहीं ना झुके, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? हमें लाजमी तौर पर अगर हम किसी द्वंद के पीछे नहीं झुकना चाहते तो भगवान का की ओर झुक जाना पड़ेगा, महाराज जी की ओर अपनी बुद्धि अपने मन को झुका देना होगा। वो हमें दिव्य रस देते हैं, दिव्य शक्ति देती है। दो गुण मेरे सुनिए, दिव्य रस और दिव्य शक्ति। संसार में जो हमें रस मिलता है ना, वो दिव्य नहीं होता, वो सामान्य रस होता है। दो दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, फिर वो रस नहीं आएगा। चाहे आपके बेटे का रस, चाहे इज्जत का रस, चाहे धन का रस, चाहे सेहत का रस, चाहे बड़ा बढ़िया सूट पहन लिया उसका रस, चाहे बढ़िया चीज खा ली उसका रस, या पति देव का रस या पत्नी का रस, संसार में यही रस होते होंगे। ये बड़ी डिग्रियां ले लिया आपने, ये 2 दिन 2 महीने कह लो बस। फिर नियम जो रब ने ऐसे बनाया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो टैले थी, क्या आपको जहां से रस मिल रहा उसका बार बार प्रयोग कीजिए, रस गया। या तो परमात्मा ये नियम ना बनाता। ये जानकारी मेरे से ले लो ना, किसी प्राणी या पदार्थ का बार बार प्रयोग कीजिए, उससे मिल रहा रस घट जाता है, हरास हो जाता है, डिके हो जाता। वाह दुनिया बनाने वाले, वाह दुनिया बनाने वाले, ओ श्याम सुंदर। किसी का भी, चाहे आपको पति देव बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं लगेंगे हमेशा अच्छे, उनका रस खींचा जाएगा। पत्नी आपको बहुत अच्छी लगती, नहीं लगेगी हमेशा, रस खींचा जाएगा। कोई कपड़ा आपको बहुत सूट बहुत अच्छी, साड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्या 3600 रुपए की साड़ी आई है बनारसी, अच्छा पहन लो 2 बार 4 बार 6 बार, नहीं दिल करेगा बस। एक दो बार तो बार बार आगे पीछे देखोगी उसको शीशे के अंदर, किसी से पूछ कैसी लग रही है, मुझे सुंदर लग रही है ना बाप, उसके बाद बस भाभी तो यही बार बार पहनी रखती है, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेगा। हाँ लो रस गया, अगर एक बार ननद ने टोक दिया ना, भाभी ना हमारे घर की इज्जत रखा कर, लोग कहेंगे बड़ी भूखी सी, एक बार बार पहन। हाँ हाँ हाँ, चल अब 2-2 महीने बाद 4-4 महीने बाद उसकी बारी आएगी। ये दुनिया का अटल नियम रब ने बनाया है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी प्राणी पदार्थ से अगर आप रस ले रहे गए, और रस खींचा जाता है प्रयोग करके, इसलिए तो परमात्मा को चेतावनी देनी पड़ी हमारे जैसों को, क्या उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। कितना अजीब नियम है, ताल्लुक से पैदा जो होता है, गर्मा गर्म चेतावनी दे देवी हो। अगर हम भगवान को छोड़कर किसी या प्राणी पदार्थ के संपर्क में आकर, कंटेक्ट में आकर रस ले रहे हैं, तो भगवान के बच्चों ये रस चूसा जाएगा, जैसे स्याही चूस स्याही को चूस लेता, इस तरह ये रस खत्म हो जाएगा। क्या गजब की चेतावनी है। हां ये तो बात बिल्कुल सत्य है, इसमें शक की कोई नहीं, जो शक करेगा वो खुद ही मरेगा, दुख पाएगा। ठीक, फिर मन को समझा लो कि ये तो सारा लोक, जिसे मृत्यु लोक बोलते हैं, द्वंद्वात्मिक है। हां हम अपना मन भगवान की ओर झुका देन आए वेलकम। सुनो मेरी बात, जो मुझे अपने महापुरुषों ने प्रसाद रूप में दिया, मेरे गुरुदेव जी ने, ले लो मेरे गुरुदेव का प्रसाद, अपने महर्षि वेद व्यास जी का प्रसाद ले लो, उनका तप ले लो। प्रसाद कहूं या तप कहूं, ये उनका तप है। कि मन को समझाते हुए बार बार समझा दे, बार बार मना ले, मन भगवान का प्यारा बन जा। जहां में दिन आए वेलकम, रात आए वेलकम, बिल्कुल नहीं बुरा मनाना। ठीक है मेरे प्रभु, ये कौन कह सकता है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, एक सामान्य जीव साधारण जीव नहीं कह सकता। आप जैसे जिन्होंने भक्ति द्वारा अपना कल्याण कर जाना है, जिन दीवियों ने अपने ये संसार में रहकर अपना पूरा कल्याण करना है, अपने आप को भगवान की ओर झुका देंगी, जैसा वातावरण आया सिर झुका दी। ठीक है मेरे परमात्मा, मुझे तो अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करो, और उत्तर उत्तर ये बढ़ती रहे, मैं आपकी भक्ति का माती रहूं, मैं अपनी मन और बुद्धि आपके भक्ति के गूढ़े रंग में रंगता रहूं, मेरा मन आपके प्रेम में एकाग्र होता जाए। बस मैं तो यही चाहता हूं मेरे प्राणनाथ, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मैं तो केवल यही चाहता हूं। तो उनके प्यार में भरकर हम हर बर्दाश्त कर लेंगे।
सुख पाया तो, दुख आया तो, दिन आए तो, रात आई तो, संयोग मिला उनके प्यार में। दुनिया में देख लो, बच्चों के मुंह में माँ बाप कितनी कुर्बानी करता है आपकी आंखों के सामने देख ले, पति देव तेरे लिए कितनी कुर्बानी करते हैं, और मैं कह रहा हूं घबरा नहीं, और आप भी कितनी कुर्बानी करते हैं उसके लिए। बिल्कुल, एक छोटा सा मान शब्द, दो शब्दों का, दो अक्षरों का शब्द, इसके लिए पानी की तरह हम रुपया बहा देते हैं। जल्ले लड़को लल्ले इर्द गिर्द देख लो, थोड़ा सा मान लेने के लिए कितना रुपया बर्बाद करती हैं, कितनी इज्जत अपनी बर्बाद करती हैं, क्या अपने जमीर मार करके दर दर धक्के खाने जाएंगे, दर दर इनको शर्म ही नहीं आती। और पता है ये मान थोड़े दिनों का और चला जाएगा, पर ये परले दर्जे की स्वार्थी जमीर अपनी मार के कितना कितनी जलील करते हैं इस मान की चाना। हाँ, कितनी कुर्बानी करते हैं ये लोग, किसमें, प्यार में। हालांकि स्वार्थ वाला प्यार है, हमें भगवान की ओर झुका हो गया, इसलिए भगवान के प्रेम में भरकर कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी किस रूप में भगवान चाहती है, जैसा भी समय आ जाए सिर झुका दो, हाथ जोड़ दो, ठीक है मेरे मालिक, जो मिल जाए लेकर। हाय हाय, और बहुत अच्छा फरमान, पूछो ना अपने मन से, अपना लिया आपके मन ने। मैं तो झल्ले कमलों की तरह, दीवानों की तरह एकांत में बैठा हुआ पूछता रहता हूं, भगवान तेरे ने ये कहा तूने अपना लिया, तेरे प्रभु ये कह रही है, तेरे जीवन में आ गया, तेरी बुद्धि में आ गया, तेरे व्यवहार में आ गया, तेरे विचारों में आ गया। सीरियसली ऐसा देखते रहो, सीरियसली, जैसे कोई श्रीमान जी दस्तावेजी बार कह गए थे, तो आप जब आते हैं ये तूने कर दिया, सब काम कर दिए, एक एक कर दिया, आपके रसोई का भी, आपका सूट भी दे आई हूं, और आपने काके की फीस कही थी वो भी दे आई हूं, शाबाश, बहुत अच्छे, मैं यही उम्मीद रखता हूं, नाम लेंगे आपका, मैं यही उम्मीद रखती हूं, गुड। इसी तरह हम अपने आप से पूछिए, जब मेरे इष्टदेव जी ने, मेरे सर्वस्व ने मुझे आज्ञा दी है, हाँ तो क्या मैंने ऐसा कर लिया। ये कितनी चोटी की आज्ञा है, लेकिन उन्हीं को है जिनके मन में उनके प्रति दिव्य प्रेम है। हाँ, गली वाले को तो कोई नहीं कह जाएगा तेरा पति कि ये कर लेना, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी क्या लगती हूं। अगर ये आपका पति जो है ये सोनलाल, पड़ोसी वाला कह दे मसार मैं तुम्हारी नुकरानी हूं, लेकिन ये तुम नहीं कह सकती जो तुम पत्नी हो, जरूर मेरी चार भी हाजिर, कोई और भी कहावत तो मुझे बता जाइए। गुड, प्रेम में क्या क्या नहीं कर जाते। एक ब्राह्मण ने ढाई अक्षर का शब्द बनाया प्रेम, प्रेम, लेकिन इसमें भगवान की झलक है। फर्क यह है कि भगवान सीधा शुद्ध रूप देखता है प्रेम में भगवान का, और दुनिया वाले क्या गदले पानी में भगवान को देखते हैं। प्रेम में है भगवान, लेकिन वो गदले पानी में मोह करके, काम करके, लोभ करके, आपके शरीर के साथ प्यार करके गदला पानी हो गया ना। है प्रेम में भगवान की झलक, बड़ा रस ही ना आता, लेकिन एक गदले पानी में देखता है, एक साफ सुथरे पानी में भगवान को देखता है। आपको तो निस्वार्थ प्रेम भगवान, भगवान के लिए। दुनिया वाले क्या भगवान को प्यार करती हैं, या याद करती हैं, या जाप करती हैं अपने स्वार्थ के लिए। ओए भगवान प्यारे हैं स्वार्थ के लिए, भगवान तो ना प्यारे हुए, स्वार्थ प्यारा हुआ ना। ओए भगवान प्यारे नहीं, स्वार्थ प्यारा है। हाँ, आप भगवान को भगवान के लिए प्यार करते हैं, जो को पता लग गया है कि भगवान की भक्ति कमाने ही मेरा लोक बन जाएगा, मेरा परलोक बन जाएगा, नाना प्रकार के दुख है इनसे मैं छूट जाऊंगा, और एक बड़ी भारी बीमारी लगाई है भगवान ने आवागमन, उससे भी मेरी रहाई हो जाएगी। ये बहुत बुरी बीमारी रब ने लगाई है आवागमन, समझती है आवागमन, बार बार जन्मना बार बार मरना, इसे बोलते हैं आवागमन, सोल का ट्रांसमाइग्रेशन में आना, ट्रांसमाइग्रेशन। हाँ, ये बड़ी बड़ी बीमारी है, छुटे कैसे जब भगवान की उपासना करें, महाराज जी की ओर झुके, तो ये इस दिव्य प्रेम में हम सबको बर्दाश्त कर लेंगे। तो अपने आप से देखते रहे ना, अपने आप टटोल लेना, मेरी माता हो, मेरी नेक बेटी हो, जैसे भी वातावरण आ जाता आप बर्दाश्त कर लेती हो, नहीं फिर तो बात ठीक नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान के प्रति पूरा प्यार नहीं हुआ, या यूं कहूं पूरी उपासना आप नहीं कर रहे, या यूं कहूं आप पूरी भक्ति नहीं कर रहे, या यूं कहूं मन आपका पूरा भगवान की ओर नहीं झुका। जैसा भी आ जाए
जैसा वातावरण बन गया, सर्दी आई ठीक है मेरे मालिक, गर्मी आई ठीक है मेरे प्रभु, मान आया मान द्वंद कोई दोनों आएंगे, एक तो नहीं दोनों आएंगे, पर हमारा मान सेंटर में ठहरेगा, जैसे मैं आपकी ओर भी नहीं इधर भी नहीं, सेंटर में मुझे बिठा रखा है, मैं आपका भी हूं और आपका भी हूं और उस सोनी सरकार का भी हूं, आपने मुझे बीच में बिठा दिया, इस तरह हमारा मन बीच में हो जाता है, नाइदर टू दिस साइड नॉट टू दैट, इंटायरली इनडिफरेंट। ऐसे व्यक्ति भक्ति कमा जाएंगे, ऐसी मेरी देवियां भले ही नारी चोले में आ गई हो और कैसा भी रिश्ता आप निभा रही हो, बहन का या पत्नी का या मां का, एक के अनेक रिश्ते निभाने पड़ती हैं, लेकिन आप जन्म सफल कर जाएंगे, जैसा भी आ जाए, दिन आ गई ठीक है मेरे मालिक, रात आ गई ठीक है, इतनी सर्दी आ रही कि दांत पे दांत बज रहे, ठीक है मेरे प्रभु, थोड़े कपड़े ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंस दिया, कोई बात नहीं, मालिक मैं इतनी भी खुश हूं, इतने भी आप ना देते मैं क्या कर लेती, शाबाश। गर्मी आई बड़ी जोर की गर्मी लग रही है, पसीने से तर बतर हो रही है, कुछ मन आकुल व्याकुल हो रहा है, आकुल व्याकुल क्या हो गया, ए, कोई नहीं मालिक, ए, कोई नहीं, पहले दिन से सेहत थी सह लेती थी, अब जो सेहत कुछ कम होगी पर ठीक है, इसमें आपकी मर्जी है, मेरा सिर झुका हुआ है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, मैं तो स्वीकृति वाला सिर झुकाया हुआ है, जिस तरह आपकी मर्जी है किए जाओ, अच्छा बात विश्वास करना मेरी इस जबान के ऊपर, भगवान बड़े खुश होते हैं, मेरी वाणी पर विश्वास कर ले मेरी देवियों, जिसने ये अवस्था बना ली है मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, सर्दी आई ठीक है मेरे मालिक, गर्मी आई ठीक है मेरे प्रभु, मान आ गया ठीक है प्रभु, अपमान हो गया ठीक है प्रभु, मेरा अहंकार टूटेगा इसी तरह, हाय बीमारी आ गई ठीक किया मेरे प्रभु, जो मेरे गंदे संस्कार है वो बीमारी द्वारा ही दूर होने हैं, ठीक है अच्छी बात है किया मेरे मालिक ठीक किया, ऐसे मेरा मन निर्मल होगा, रोज खान की चीजें खा खा के बीमारी लग जाती है, वो शुगर की मारी जाती है, कभी करेले भी खानी चाहिए, कभी नीम घोट के भी पीनी चाहिए, इस तरह हमेशा मान ही मिलता है तो अहंकारी बन जाएंगे, कभी अपमान भी होना चाहिए, ताकि हमारा जो मान की भावना अहंकार है रगड़ी जाए, ठीक है प्रभु मैं बहुत खुश हूं, मेरे मालिक मैं बड़ा प्रसन्न हूं, शाबाश। द्वंद्व का मुकाबला इस तरह किया जाता है, ना कि रो पिट के, रब्बा तूने रात क्यों बनाई, देने सर्दी क्यों बनाई, वे परमात्मा गुजार तो वो भी रहेगा पिट के, देख लो गुजार तो वो भी, शिकवे दे के गिले दे के शिकायत करके, उन मार नहीं मार छोड़ के दंद बजते पे अपने आप, मार छोड़ वैसे मार दे, हमें कुत्ते की मौत क्यों मारता है, वे रब्बा बोली जाओ, शिकवे दिए जाओ, रब सुनी जाएगा, रब ने सुनना है, कान से निकाल देना है, नहीं परवाह करती जहां तक मैंने अनुभव किया या रब ने अनुभव करवाया, रोते रहो, भगवान की यह अटल नियम है, जैसे कहावत है पानी के चबच्चे में जाना और छींटों से आप घबराए, तो वहां तो चबच्चे में तो पानी आएगा, छींटे पड़ेंगे, हाँ हम आए कहां है कोई नहीं बताता, और इंसान के बच्चे को जब तक बचाया बताया न जाए सुनिए, हाँ तब तक समझ नहीं आती है, अगर आपका मन या बुद्धि नहीं मानती तो अटैक करो मेरे पर, इतराज करो मेरी देवी, इंसान के बच्चे को या बच्ची को जब तक बताया नहीं जाएगा नहीं समझ आएगी, यह चाबी आपके पास, हाँ डालो ताले के अंदर, हाँ और डाल करके घुमाइए जरा एक साइड पर, तब इसके लीवर परे होंगे और ताला खुल जाएगा है, अब जब तक आप चाबी डाल के इसके लीवर हाँ परे नहीं हटाते नहीं ताला खुलेगा, पिट मरो तुम, चाबी तो डाली बैठी हटाओ करो इस साइड पर है जी, ताला कैसे खुलता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लगता है, अब ये ताला मेरे साथ लटक रहा है, मैं चाबी डाली ए यूं करना पड़ेगा और यूं इसके लीवर आते हैं, यूं लीवर परे होते हैं, हां बाई से दाई ओर लगाओ चाबी खुल गया, इसी तरह हां कुछ भी आए द्वंद्व है ना, द्वंद्व आएंगे, हां अब भगवान ने ये बनाया द्वंद्व तो इनको मां बाप को समझाना चाहिए, फिर मैं वही बात आ जाता हूं, माँ बाप को या अप्रोच ही आते थे घर के अंदर वो समझा देते, या स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ये एक जरूरी कंपल्सरी सब्जेक्ट होता कि जिस दुनिया में हम आए हैं, ये दुनिया सिर्फ दुनिया के बारे में समझा देते, ये संसार क्या है इसका परिचय दे देते, कोई भी नहीं परिचय देता, जिस संसार के साथ हमने जिंदगी का आखिरी श्वास बिताना है उसका कोई परिचय नहीं देता, उसका कोई इंट्रोडक्शन हमें नहीं देता, हमें कोई चेतावनी नहीं देता, इस तरह पे दिन नहीं कटते, फिर हम रोड पेट के दिन काटते हैं, चूंकि संसार के दोनों द्वंद नहीं अच्छे लगते, एक द्वंद अच्छा लगता है, अपने मन को देखो बना हुआ ऐसा मन, ये क्यों बना हुआ है,
फिर जवाब दूं, हां, क्योंकि भगवान ने तीन गुणों से सृष्टि बनाई है। अब इसमें मैं क्या करूं, आप क्या करें, मेरा क्या वश चलता है और आपका क्या वश चलेगा। और हर एक 84 लाख योनियां हैं, ठीक, हर एक योनी में इन तीनों में से एक की प्रधानता है। अच्छा, मतलब एक गुण प्रेडोमिनेट कर रहा है, एक की प्रधानता। ऐसे कभी कभी ना कभी तो आप खिचड़ी बनाती हैं, हाँ कई बार बनाई बाबा, ये तो आप जाने क्यों, कभी चावल की प्रधानता कर देती हो, दाल कम, कभी दाल की प्रधानता तो चावल कम। हाँ ऐसे होता है, वैसे मेरे से पूछो तो दाल की प्रधानता होनी चाहिए चावल में, अगर सेहत के लिहाज से देख रहा है, चावल कम दाल ज्यादा, दाल ज्यादा गुणकारी है, चावल इतने नहीं। अच्छा, पर ये आपकी मर्जी है, कभी वो जो है मुट्ठी ज्यादा डाल बैठती हो, कभी वो, ये आपके अपने मन की बात है। इसी तरह हर एक सीने जिगर के चार अणु नजर आता है, अणु से भी छोटे होते हैं परम अणु, यानी इसको इकट्ठा बोलते हैं परमाणु है। अब इससे भी और हो गए, इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रॉन थे, और आगे निकल गए। हर एक में एक गुण की प्रधानता रहेगी, चाहे ये वनस्पति वर्ग है, हा एक गुण की प्रधानता, नीम में रजोगुण की प्रधानता, पीपल में सतोगुण की प्रधानता है, और आक में तमोगुण की प्रधानता। ओ मेरे रब्बा, ओए सब्जी, सब्जियां ले लो, जितनी भी धरती के अंदर उगती है, अंदर वो तमोगुण की प्रधानता है, जो अंदर है। अच्छा, और जो बाहर लगती है वो रजोगुण की प्रधानता, किसी में सतोगुण की प्रधानता। इधर भी आप नजर मारेंगे, गैया में सतोगुण की प्रधानता, शेर में रजोगुण की प्रधानता, और सुअर में तमोगुण की प्रधानता, मारो नजर जहां भी आपकी जाती है। अब इसमें बताओ मैं क्या करूं, आप क्या करें। एक ने गुण की हर एक प्राणी में, हर पदार्थ में प्रधानता रहती है। अच्छा आगे बढ़ू, ठीक है बाबा, मानने वाली बात, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, ये तो सिद्धांत है। तो जिसमें जौन सी गुण की प्रधानता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। सतोगुण की प्रधानता तो भगवान की ओर झुक जाएगा मन, रजोगुण की प्रधानता तो जहान की ओर झुक जाएगा मन, तमोगुण की प्रधानता तो हराम की ओर झुक जाएगा मन। खाना हराम, पीना हराम, करैक्टर हराम, सारे गंदे गंदे गंदे, अपवित्र 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 तमोगुण से। अच्छा, सुस्तुल वजूद, कोई काम नहीं करना, खाने में नंबर वन और बकवास में नंबर वन, करना कराना कुछ नहीं, तमोगुणी परमादी बोलते हैं इसको, लिए परमादी अर्थार्थ व्यर्थ के धंधे, व्यर्थ की बातें, कोई जो है अच्छी बात नहीं करनी। आप भगवान ने बनाया है, सीखे, और हमें, हम क्या है, हम कल्याणकामी है, संसार को सही रूप में जानते, संसार की सृष्टि ऐसी है, इसमें द्वंद है और द्वंदों में तीन गुण है। हाँ, और जैसे रब ने नियम बना दिए हैं, तस से मस नहीं होते, उसी तरह चलेगा। भगत इस बात को समझकर, जानकर, आंखों के सामने देखकर सदा के लिए मन में रख लेता हूं। वाह वाह, भगवती सदा के लिए अपने मन में रख लेगा कि ये तो ऐसा होना ही है, ये तो बनना ही है, परमात्मा का अटल नियम है, इनएविटेबल, अनएविटेबल डिवाइन लॉ, बिल्कुल ठीक। तो रब ने क्या कहा, जिस पे आपका वश न चले, और जो नियम हो के रहे, जिस पर आपका वश न चले, और नियम ने होना है, हा जिस पर आपका वस्त्र चले तो नियम ने होना है, हा फिर भगवान ने क्या मारा है, ताना मारा, फिर भी तो रोता है, फिर भी रोता हूं, सुन सुन सुन, जिस पर आपका वस्त्र चले और नियम ने होना है, फिर भी तो रोती है, फिर भी रोती हूं, फिर भी अपने बाल तोड़ती हूं, फिर भी छाती पीटती हूं, है हा। भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच छह सात श्लोक बोल दिए, तो फिर अर्जुन किस लिए तू गम का असीर, ये तेरा वासी जी तो ऐसा होना है, ये तो बनना है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर, जो ये अम्र लाजम है और नागजीर, तो फिर किस लिए तू गम का असीर, फिर तो गम ही क्यों रोता है, ये तो अटल नियम है, नागजीर अर्थात टाले नहीं टालेगा, फिर तुझे रोने नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर ले, स्वीकार कर लो, ये बनेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो तू रोले पेटले, तो होगा ही नहीं। हाँ, अब मुझे याद आता है,
जब हम स्कूल से आते थे तो किसी गली में कभी किसी गली का मर गया, कभी किसी गली का मर गया, तो हम लोग भाग जाते थे आगे भी इनका छाया ना पड़ जाए, हम ही ना मर जाए। ऐसी कुछ दादी ने बिठा रखा था, जहां कोई मर गया हो तो आगे निकल जाओ, दौड़ जाओ, बात दौड़ धीरे नहीं चलना पुत्र। अच्छा माँ क्या करने, वहां बस्ता अपने बगल में दबा के आगे दौड़ जाओ। तो जब अपनी गली में मर गया तो मैं दादी के पास, अब्बा हो मैं कहां जाऊं, आज अपनी गली मोया पे है। तो एक बात जो वहां पर जो नैन पिटारे आती थी, अब मैं सोचता हूं उन दिनों तो अकल खुली नहीं थी, अब पता लगता है 13 दिन पिटा 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 के फिर चटाइयां फैलवाते थे, उठाओ भाई। तो चटाई उठाती बार हाथ जो पिटाने आई जिसका मर गया था, एक तो उसका वैसे मर गया, एक पिटाने वालियां होर मारती है जो उनके घर वाले, आधा तो उनको पूरा तो वो मर गया, आधे ये बाकी मरेंगे पिट 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 के। तो आखिर में मैं बताऊं क्या बोलती थी, कितनी मूर्खता। अब तो भगवान की कृपा से मैं भी माने बैठा हूं, आप भी माना लेना। हाँ इतना पिटा पिटा के आखिर उस दिन भी सापा होता था, ब्याज जोर दस स्यापा कर लो, ब्याज चटाई उठानी है। तो उस स्यापे में क्या बार बार स्यापा करने वाली पिटाई थी, हाय हाय लिखियां ना मिटियां, हाय हाय लिखियां, ओए बेवकूफे को रुकते जाओ, ये क्या बोल रहे हो, हाय हाय लिखियां ना मिटियां, ना मिटियां भाई ना मिटियां, हाय हाय बड़ी सुरताल के साथ, मैं शायद वैसा ना बोल सकूं। पीछे सारियां बोलती थी जैसे दो दूनी चार कोई पहाड़े पढ़ा रहा हो, हाय गए लिखियां ना मिटियां, ना मिटियां भाई ना मिटियां, हाय गए लिखियां ना मिटियां। अगर ये सिद्धांत है फिर पिटना क्यों, हाय गए लिखियां ना, जरा गौर करना, अब तो आपकी बुद्धि खुलती जा रही है, कितनी मूर्खता है फिर पिट क्यों रहे हो, जब सिद्धांत बोल रही हो कि हाय गए लिखियां ना, जरा हाय क्यों कर रही हो, फिर छाती को पिट रही हो अपनी है, जब इनएविटेबल है। कितनी सिद्धांत बोलते हैं हाय हाय लिखियां ना मिटियां, जो रब ने लिख छोड़े मिटना नहीं, तो फिर हम क्या करें, सबर करें, हाय हाय सहन करें। वो अपना कल्याण करने वालों सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों माताओं और मेरी भोली भाली बेटियों, अब हमें अपनी मूर्खता पर रोना आता है कि जब लिखिया नहीं मिटी आज तक, तो फिर पिटना स्यापा करना और नैन का आना स्यापे पिटाना, खाए खाएगा रबा मेरे यहां आ, फिर अगर नैन ज्यादा पिटा दी तो जिनके लिए पिटा रही है वो ना दे तो ताने मारती थी नैने, बड़े गंदे गंदे ताने। तो जब लिखियां नहीं मिटनिया, मन में समझाया अब हमारी अकल खुल गई, तो फिर रोना नहीं चाहिए, परमात्मा के आगे सिर झुका के सहन कर लेना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने बड़ा सुंदर पाठ पढ़ाया है, उनकी कृपा से काफी पक्का कर लिया, कैफियतें आनी जानी है ये सहेजा खुशी से के फल। बहुत चोटी का पाठ है मेरी देवियों, भले ही नारी चोले में आ गई हो, भले ही मन आपका नरम है, पर आपको सख्त बनाना पड़ेगा। जो आज का प्रसंग चला हुआ मैं यही बताने वाला, सहन करना, लेकिन भगवान के प्यार में, जैसे अपनी औलाद के प्यार में कितना आप सहन कर जाती हो, कितना बर्दाश्त करती हो, पति के प्यार में आप अपने सास की, ससुर की, अपने देवर और ननद की कई बातें सहन कर जाती है। हाँ कई बातें, देवर इतनी गंदी गंदी गाली दे देता है फिर भी श्रीमान को सामने रख के आप सहन कर जाती है, ननद इतनी बातें बना जाती है जो उस भाभी को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो उनकी बहन है, मैंने तो जिंदगी काटनी है, यही सहन कर जाती है, और कोई चारा भी तो नहीं। अब भगवान के अगर हमारे मन में प्यार है और हम कल्याण करना चाहते हैं और दंतों ने ऐसे ही रहना है, अच्छा मेरे प्रभु मुझे शक्ति दे दो मैं सहन कर लू, गर्मी आया ना तो नहीं सहन हो रही, प्रभु मुझे शक्ति दे दो मैं शिकवा नहीं देता, गर्मी आ गई मैं शिकवा नहीं देता, सर्दी आ गई मेरे दांत पे दांत बज रहे हैं और मैं कपड़े भी तो नहीं ले सकता कुछ, यही है मेरे पास, पर मुझे शक्ति दे दो मेरे प्राणनाथ, मेरे अंतर्यामी के मैं सहन कर लू। शाबाश, ठीक है मेरे दाता, लड़के की मृत्यु हो गई है, हमने इलाज किया, 5-3 रुपया बहाया है, अब आपने ले लिया, सहने की शक्ति दे दो मेरे मालिक, मुझे रोना अच्छा नहीं लगता, मैं रो भी रहा हूं और रो भी बाथरूम के अंदर रहा हूं, रो भी लैट्रीन के अंदर रहा हूं, लेकिन मुझे शक्ति दे दो मेरे मालिक, मैं भगवान बड़े खुश होंगे अगर आप रोते हो भी ये कह दें, अगर आप रोते रोते भी ये कह दें मुझे सहने की ताकत दे दो मेरे मालिक, मेरे रोने से क्या होगा, मेरे पिटने से क्या होगा, मेरे वाल तोड़ने से क्या होगा, ये तो अटल नियम है, वो तो होना ही है। हाय आहा, किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे, हाय क्या किश्ती किसी के परले पार पहुंचे या दरमियान में रह जाए, जो नियम है वो तो नियम है ही, वो तो हर एक पे लागू होना ही है, बस आप जैसे विचारवान जो होंगे
हंस हंस के सहन करेंगे, बाकी पिट पिट के अपने दिन बर्दाश्त करेंगे। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। हमारी लियाकत ये है इन द्वंद्वों में रहना है और द्वंद्वों में रह के भक्ति करनी है। हाँ, तो इसमें तो कभी कुछ, कभी कोई द्वंद आ गया, कभी कोई द्वंद आ गया, कभी कोई द्वंद आ गया, तो ठीक है मेरे मालिक, मैं उसी में संतुष्ट हूं जो मेरे सामने आप भेज देती है। यही मेरे भगवान आज कह रहे आएगा, क्या पाठ है, मेरे भक्त को सर्दी गर्मी एक समान, शीत उष्ण ये भी नहीं भूले रब कहते हुए, क्योंकि इन्होंने तंग करना आके हमारे मन के को खराब करना है। क्यों दंद कई गिनाए जा रहे हैं, आगे फिर सुख दुख भी कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति में जबरदस्त बाधा है ये द्वंद है। भक्ति में, भक्ति का मतलब भगवान का भजन करना, भजन कौन करता है, मन, और मन का अगर तवाजन ही बिगड़ता रहा तो भजन करेगा कौन, और तवाजन कौन खराब करते हैं, यही द्वंद। कभी बीमारी आ गई, कभी किसने अपमान कर दिया, कभी सर्दी नहीं सहन होती, कभी रात को कुछ और गड़बड़ मच जाती है, कभी कुछ और बात जो हमारे अनुकूल नहीं होती, फिर आप क्या करोगे, अब तवाजन खराब भी नहीं करना। हाँ, और तो ये द्वंद भी आएंगे, तो फिर सिवाय इसके कोई चारा है, जो तेरी इच्छा। मैंने कई बार बताया, फिर बताया देता हूं, सुख तो किसे कहती है, मन का तवाजन बना रहे, यानी मन बिगड़े नहीं, ये सुख है, और मन अगर बिगड़ जाए तो ये दुख है। वाह 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 वाह, मन अपने आप को बनाए रखे, चाहे कुछ भी घटना घट जाए, मन बनाए रखे, कोई दुख नहीं। पर मन अगर ना रुका, कहावत मशहूर है, टप जाए मन तो समुंदर, ना टपे तो छोटी सी नाली भी नहीं टपका, सहन कर जाए तो बड़ी बड़ी बातें, और कभी छोटी सी बात नहीं सहन, छोटी सी बात, आहा, छोटी सी कोई बात नहीं, जरा आपके जबान में कुछ एक ऐसे शब्द है जो आप शुद्ध नहीं बोलती, हाँ थत्था बोल जाती है, तो कभी आप हंसते थे, कभी नरेंद्र कहती है कैसी मेरा भाई भरजाई लेके आया, बोलती कैसी है, बस आपको बार हो गई। आप कहे भाई नू बदला लेवे, मैंने घर छोड़ा है, दादा कहे अभी आते मैं फैसला कराती हूँ, मुझे भेज आए, तो कभी आप हंस पड़ते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में मुकद्दर में लिखी बैठी थी, ऐसे तो नहीं आ गई, तुम्हारे घर में थी तो मैं आई हूं ना, तो कभी सहन कर गया, कभी नहीं, आपसे आपसे सहन हुआ, शाबाश। अब हमारा तवाज़ुन ना बिगड़े, ओए होए, इतनी जल्दी भक्ति हो जाएगी, इतनी जल्दी हमारे नजदीक पहुंच जाएंगे, इतनी जल्दी तलीन हो जाएंगे, इतनी जल्दी रस आ जाएगा, मेरी बात पर विश्वास कर लेना, अगर मन का तवाज़ुन ना बिगड़े। और आप हैं कहां, जंगल में नहीं है, मैं इतने बिल्कुल एकांत में नहीं है, कुंडी लगाई अंदर बैठे रहो, संपर्क करना पड़ता है मां के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, और सारे क्या है, चू चू का मुरब्बा आपके घर में इकट्ठा हुआ हुआ है, चू चू का मुरब्बा, ये कह दू जखीरा है आपके घर के अंदर, जखीरे में नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं। हाँ, अब घर में नाना प्रकार के स्वभाव वाले बहन भाई, ये वो, कितने स्वभाव, हर एक के साथ संपर्क करेगा, करना पड़ेगा, और फिर तवाज़ुन ना खराब हो, आए मेरा रब्बा, फिर तवाज़ुन बने, सारे आपके अनुकूल नहीं हो सकते भगवती, सारे आपके मुताबिक नहीं हो सकते, पेट मरो जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हाँ अपने घर के खून के रिश्ते में सारे बराबर, अपने पेट के बच्चों को देख ले, हाँ कैसी है बाबा, क्या बोलूं कैसी है, बस सारी ऐसी है, कोई ज्वालामुखी तो कोई क्या, कोई ज्वालामुखी है और कोई शीतल प्रसाद है, कोई गर्म कोई नरम, फिर सबके साथ सहन करना पड़ता है, सारे एक जैसे है ही नहीं, कितनी सहनशीलता मेरे कृष्ण मेरे इष्ट देव आपको दें, कितनी सहनशीलता या कुवत बर्दाश्त मेरे प्रभु अपनी ओर से अपना वरद हस्त उठा के आपके सीने जिगर और मन में रख दे, तब तो संभव है कि अपने मन को न बिगाड़ना, क्योंकि मन बना रहे, हाँ फिर जैसी मर्जी घटना घट जाए, और अगर मन गया बिगड़, अब इसे कई घंटे लग जाते हैं, नहीं कई दिन लग जाते हैं पहली अवस्था पर आने की, एक बार बिगाड़ लो फिर खुद घड़ी देखना कितने दिन लग गए, कितने घंटे लग गए, कोई 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 कोई, एक बार मन बिगाड़ लो किसी बात से, फिर जाप नहीं होता, भजन बिगड़े हुए मन से जाप नहीं होता, हाँ जब मन अपना संतुलन खो लेता है तो फिर नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, फिर गिले शिकवे शिकायत रोना, फिर उसमें क्या होगा, फिर नहीं भजन होगा, हाँ उसमें फिर विक्षेपता बनी रहेगी, शाबाश। और भगवान ने क्या कहा है, मैं कब अपने भगत के नजदीक आता हूं, लर्जे कहां शम्मा रोशन की, लो ये दृष्टांत दिया है, वायु को झोंका ना आए तो जैसे दीप शिखा,
या जल रहा है दीपक की लौ सीधी रहती है, उसमें जरा भर भी इधर उधर लर्जना नहीं होता। इस तरह जिसका मन टिका हुआ है जरा भर भी इधर उधर नहीं है, मैं उसके नजदीक हो जाता। यह आपने भगवान का छठे अध्याय में फरमान है। हाँ, अब अगर ना बिगड़े तो यही होगा, बिगाड़ते कौन है? द्वंद। फिर आपने द्वंद क्यों बनाए? ये अब जो मर्जी बातें बनाई जाओ, मैं भी बकवास कर करके थक गया हूं, वरना तो कुछ द्वंद तो फिर भी रहने हैं। ऋषि भी गोता मार मार के थक गए, भगवान की जात में समा गए, द्वंद तो फिर भी वैसे के वैसे, युग युगांतर गुजर गए, द्वंद वैसे के वैसे। इसलिए ये सवाल ही उठाना गलत है, प्रश्न करना ही मूर्खता। द्वंद तो ऐसे रहेंगे, कोई बस चलता ही नहीं, कोई हमारा चारा है ही नहीं। अंग्रेजों ने यहीं से नकल कर लिया, हमारे गीता के श्लोक को अपने हां लिख लिया प्रावरब में, लेकिन इट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, बिल्कुल श्लोक की नकल है। That is cannot be cured, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, must be endured, सहन कर जा। That which cannot be cured, must be endured. हाँ, बस यही है, भगवान सहनशीलता दे और मन के त्वाजन को बनाए रखो, अब आपका जाओ भजन बड़ा अच्छा होगा। इसलिए भगवान ने ये सर्दी गर्मी भी गिना डाली कि मेरे भक्त के सर्दी गर्मी में एक सवाल, सर्दी पड़ जाए ठीक है मेरे मालिक, गर्मी आ गई मैं बड़ा खुश हूं प्रभु, पसीना भी हो रहा है, मन आकुल व्याकुल हो गए कोई बात नहीं, फिर भी प्रभाव आप नहीं पड़ने दे कोई बात नहीं, एक गुजर जाएगी कोई बात नहीं, इसने अपना पैरा इसका पूरा होना है। जैसे आपके मंदिर में तीन जो है पहरेदार है, आठ घंटी ड्यूटी देती है। हाँ, अगर किसी ने शिकायत भी कर दी किसी को या कुछ, उनको भाई एक ही जवाब है, देखिए ये हमारा कहना नहीं मानता, हमने ये कहा इसने ऐसा नहीं किया, शिकायत आई किसी पहरेदार की या किसी कर्मचारी की, अच्छा जी हाँ थोड़ी देर बाद बताना, थोड़ी देर बाद बताया, वो है ही नहीं कोई नहीं, कौन था? वो तो बदल ही गया। अब दूसरा आठ घंटे वाला आया, हाँ उसके साथ भी कहीं नहीं मेल खाते, शिकायत आई, देखिए ये फिर अपनी मनमानी करता, जब ये यहां का कर्मचारी है तो जनता की तरफ जाए, ठीक है जी आप मुझे बताना, ठहर के देर, तीसरा आ जाता है, नहीं जी बाबा हमारी भूल आई नहीं, तो अपनी ड्यूटी देके चले जाना है। अब तकरीबन सारी को यही जवाब है, सारे बेटे बाबा इन्हें तो ड्यूटी देके चले जाना, तो परमात्मा की कसम इन द्वंद्वों को क्या शिकवा, इन्हें तो अपनी ड्यूटी देके चला ही जाना। जैसे कर्मचारियों क्या शिकायत करोगे, जिसकी शिकायत कर रहे उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब अगला आ गया उसमें भी कोई ना कोई त्रुटि हो गई, उसकी शिकायत करते तीसरा आ जाता है। वाह वाह, आठ आठ घंटे चक्कर में है ना, यूं चक्कर के अंदर आ रहे हैं, फिर पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर पहला, यूं 24 घंटे राउंड द क्लॉक ड्यूटी दी जा रही है। हाँ, इस तरह जितने भी द्वंद है राउंड द क्लॉक आप ड्यूटी दिए जा रहे हैं। इसलिए हमारे कृष्ण कह रहे हैं सहेजा खुशी से के फानी, जो सहन कर जाते हैं वो भगवान का भक्त है, जो हाथ जोड़ लेती है वो मेरे भगवान की मीरा है, वो मेरे भगवान की कमेटी बाई है। हैं जी हाँ, हाथ जोड़ दिए ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे प्रभु, जो भी आप दे रही हैं लो भगवान की नजरों में आ जाओगे, पेट पेट के मरोगे नाश्ता कहलाओगे, समय तो गुजारना पड़ेगा वो जो उसका पैरा है, लेकिन हंस के तो ठीक है, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त को सर्दी और गर्मी एक समान है, आ जाए सर्दी आ जाए, बजा दे दांतों में दांत, बज भी रहे दांत, बुखार चढ़ भी गया, जुकाम हो भी गया, नजला हो भी गया, इन्फ्लुएंजा भी हो गया, लेकिन शिकायत कोई, ठीक है मेरे मालिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसमें मेरा भला है ना, उसमें मेरी बेहतरी है मेरे प्रभु, जब आपके फरमान को मैं चार चांद लगाऊंगा, आपके फरमान का मैं शिकवा नहीं दूंगा, जो मिल जाए लेकर वही चादर। देखो देखो अपने अंदर हो गया पक्का, ये भगवान वाच हो रहा है, ये संजय वाच नहीं है, अर्जुन वाच नहीं, ये हमारे इष्टदेव जी कह रहे गए, जो मिल जाए लेकर वही चादर, ना हासिद ना पाबंद इज्दाद है। इज्दाद फिर द्वंद आ गए, बटे इज्दाद उर्दू वाले मर जाए, उर्दू वालों के सामने कोई शब्द नहीं बना कि द्वंद का क्या है, संसार में द्वंद द्वंद तो है ही, पर शब्द क्या बना है? जेड का बहुवचन, जेड की जमा, जेड का प्लूरल है, जेड का प्लूरल क्या बन गया? इज्दाद, कि इनको आपस में जिद है और उनके पास शब्द ही कोई नहीं। हमारे जोड़ा है द्वंद है ट्विन, कि संसार में सब ट्विन ही ट्विन है, हाँ उनके इज्दाद बन गया कि संसार में इज्दाद, लेकिन रब के प्यारे को इज्दाद की है ही कोई नहीं, उसको कहीं भी झुकाव नहीं हो, क्योंकि उसका झुकाव भगवान की ओर है, उसका जवाब अपने मालिक की ओर है। अब भक्ति हो जाएगी,
अब आने दो, आने जो भी आता आने दो, जो भी सुख है दुख है आने दो, ये तवाज़ुर बना रहेगा, छाती अपनी गर्म नहीं होगी, छाती अपने कर रहेगा, नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल। अब क्या नॉर्मल नॉर्मल मन में क्या होगा? भक्ति, जाप, एकाग्रता, ये भगवान चाहते हैं। तो ये एकाग्रता भक्ति बनी रहे, तो भगवान ने कहा चूंकि तीन प्रकार के मेरे भगत होती हैं, एक में शरीर प्रधान उनको कर्म योग द्वारा क्षमता दे दी, एक में मन प्रधान उनको भक्ति योग के द्वारा क्षमता दे दी कि मन क्षमता में रहे, एक में बुद्धि प्रधान उनको ज्ञान योग द्वारा क्षमता दे दी, और साथ कह दिया क्या, न जीते की शादी न हारे का शोक, दिल के तवासन का है नाम योग। हमें भगवान जी योग को दे रहे गए सिर्फ मन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, हमारे मन का बैलेंस अनबैलेंस ना होए, हमारी मन और बुद्धि के परड़े बराबर रहे, परड़ा नीचे ऊपर झुकने ना पाए, मन बुद्धि एक तराजू है ना, तो दो इसके परड़े, तो दोनों परड़े बराबर रहे, ये संभव कैसे? भगवान ने कहा फिर अपनी स्वभाव को देख, अपनी नेचर को देख, अगर कुछ किए भी नहीं रह सकी तो कर्मयोगी बन जा, कर्मयोगी बन जाओ, किसकी तरह, विनोबा जी की तरह या राजा जनक की तरह, तो तवाज़ुर बना रहेगा। हाय हाय। और अगर मन प्रधान है, आप जज्बाती हैं, इमोशनल माइंडेड हैं, अगर आप भावुक हृदय हैं जैसे नारी होती है, हाँ तो भगवान का भजन करो, अगर मन प्रधान है तो भक्ति करो, तो भक्ति से क्या होगा, जो आपके हमारे लबों का ये तकिया कलाम या चर्चित शब्द बन जाएंगे, जो आपकी इच्छा, जैसे भी घटना घटी के हमारे दोनों हाथ जुड़ेंगे, जो आपकी इच्छा प्राणनाथ, जो आपकी इच्छा प्रभु, जो आपकी इच्छा, जैसे पतिव्रता के ये दो ही शब्द होती है, पतिदेव जो आपकी इच्छा, जो भी आप कर रहे ठीक है, कुछ तो तू भी बोली कर, मैं क्या बोलू, मैं आपसे अलग नहीं ना, हाय तू देवी है देवी, मैं तो जो भी आप कर देते हो मैं चाहती, मैं कहती मेरी यही इच्छा, देख मैं कपड़ा लाती हूँ, कभी तूने कभी नहीं कहा मैं चाहती हूँ आपको ये अच्छा लगा, मैं आपके लिए हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो बताया कि सब्जी क्या लाऊ ना, जो लाते हैं मुझे उसमें बड़ा स्वाद आता है, शाबाश, बिल्कुल इसी तरह भक्त होता है, जो मिल जाए लेकर चूमो, इन शब्दों को माथे रखो, सिर पे रखो और शीश के ऊपर ले जाओ, जो मिल जाए, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टा, ये मूल शब्द है, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वतीता विमत्सरा, यद्र इच्छा लाभ, उसकी कोई इच्छा नहीं जो उनकी इच्छा, हाय 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 हाय, मार दिया अपने आपको, खुदी का हो गया क्या मुली कुतरा, बेटे जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जो अपनी चार पांच दस बीस इच्छाएं थी भगवान में मिला दी, बस प्रभु अब जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, इसको बोलते हैं अहंकार का मूली कुतरा हो जाना, खुदी का मूली कुतरा या ईगो, बिल्कुल एनिहिलेटेड ईगो, एनिहिलेटेड फॉर एवर, कि अब जो कुछ आप करेंगे उससे मेरी भलाई होगी, ऐसा व्यक्ति द्वंद्व के साथ डट के मुकाबला करेगा, क्योंकि भगवान के साथ पूरा प्रेम हो गया, जिसने अपने आप को सौंप दिया पूर्ण प्रेम, जैसे आप पतिव्रता, अगर अपने आप को सौंप दिया, कोई अपनी इच्छा नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना जाने की, ना मरने की, कोई, जो श्रीमान जी कह देती है, वाह उनकी आज्ञा प्रधान, इसको श्रीमती, इसको बोलते हैं पतिव्रता, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई मनाना ही नहीं, वो कई बार कहती भी है कि बोल ना, ना मैं क्या बोलू, मैंने तो उसी दिन अपने आप को खत्म कर दिया जबकि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे माँ बाप के घर से ले आए, इसे बोलते हैं पानी ग्रहण करना, पानी मैंने हाथ, जब पंडित जी रसम करवाते हैं आटे का पेड़ा रख के, आपके यहां होता है कि नहीं होता, ये नीचे पत्नी का हाथ भी ऊपर आटे का पेड़ा और ऊपर क्या पति, बाबा इसका क्या मतलब हुआ, हाय अन देवता साक्षी हो जाता, आटे के पेड़ा मतलब अन देवता साक्षी हो गया, हाँ मैं साक्षी हूं, ये नीचे हाथ आपका है, बीच में अन देवता, ऊपर पति का हाथ है, क्या अन देवता बीच में, मैं साक्षी हूं, क्या एक दूसरे का दुख सुख तुम्हारा बराबर रहेगा, तेरा दुख इसका दुख, तेरा सुख इसका सुख, इसका सुख तेरा सुख, मैं बीच में साक्षी हूं, क्योंकि शरीर क्या है, अन्नमय कोष, या अन्नमय अन्न दोगे तो जिंदा रहेगा, तो अन्न कहते मैं साक्षी बन जाता हूं, तो बीच में वो साक्षी बन गया। तो भगत का साक्षी कौन होता है, गोपाल, साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल, आजकल गोपाल का मिसयूज करने लग गया, वरना पहले साक्षी हमारी हर क्रिया का, हर प्रेम का साक्षी गोपाल, आजकल मेरे भगवान हंसते होंगे, इंद्र हंसाता होगा, धर्मराज हंसाता होगा, देख लो भगवान, तब भी आप साक्षी थे ऋषियों के टाइम, अब भी साक्षी हैं, लेकिन आपको साक्षी बना के कहती क्या है, ओ नंदलाल साडी लॉटरी निकाल, आज नंदलाल की लॉटरी निकाले तब तो वो कल आए कि मेरे कृष्ण है मेरे साक्षी,
आज तो स्वार्थ है कि नंदलाल नंदलाल साड़ी लॉटरी निकाल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अति सुंदर। और उन दिनों क्या था साक्षी गोपाल, मेरा भी कर कल्याण, मैं भी जन्म मरण से निकल जाऊं, मैं भी इस चक्कर में ना आने पाऊं। पहले ये मानते थे साक्षी गोपाल से, आजकल अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, फिर चक्कर, वो चक्कर बना रहा जन्म मरण का चक्कर। अगर धन प्रभु धन निकाल दे तो अहंकार बढ़ जाएगा, कामना बढ़ जाएगी, वासना बढ़ जाएगी, मोह बढ़ जाएगा, ये तो हमने सोच रहे नहीं। तो वो साक्षी मेरे प्रभु अब जो कर रहे हैं ठीक है मेरे दाता, तब तो मेरे सजनों ओ देवियों मैं हूं या आप दोनों अपना कल्याण कर जाएंगे, जब दोनों हाथ जुड़ जाएं, ठीक जो भी आपने दे दिया ठीक है, जो भी आपने दे दिया मेरे मालिक बस ठीक। सर्दी है गर्मी है मान अपमान है, भगवान आय के प्रसंग में ले रहे हैं मेरे भक्त के लिए, सर्दी और गर्मी एक समान होती है, शाम शीत उष्ण, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये तो उनके प्यार में, जब हम अपने आप को सौंप, प्यार क्या होता है अपने आप को पूर्ण रूप में सौंप देना, ये नहीं कि मुंह से बकवास कर दे आई लव यू, इससे कोई मतलब नहीं, वो आपसे लव नहीं करते, अपनी वासना से लव करते हैं, कामना से हम लव करते हैं, नॉट टू लेडी बट टू अवर ओन डिजायर। ये तो एक बेवकूफ अंग्रेजों ने बिचारी नारी की बेकदरी कर रखी है। अगर किसी ने सही रूप में समझना है कि आई लव यू, तो अर्जुन के मन को देखो, मीरा के मन को देखो, अब यह लगता है कि आई लव यू, मारे तो प्रभु गिद्धर गोपाल दूसरों ना कोई रे, ये है लव का मतलब, अपने आप को सौंप देना, अपने आप को पूर्ण रूप महाराज जी के शीर्ष चरणों में हमेशा के लिए रख देना, ये है आई लव यू, हाय हाय हाय, ये है लव यू। बहुत सुंदर, नॉट थ्री नॉट फोर नॉट टू बट यू, मैं दो तीन को नहीं चाहती, केवल आपको चाहती हूं, सो आई लव यू। अब मजा आता है कहने का आई लव यू, नॉट फोर नॉट थ्री नॉट टू बट ओनली यू, आई लव यू, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रे, दूसरों नॉट टू बट यू, आई लव यू। मैं इर्द गिर्द नहीं कहीं जाती, ना मेरा मन जाता है, केवल आप में मेरा मन है। तो इस अवस्था पे कहा जाएगा क्या, इतना प्यार इतना मन तलीन, हस हस की सहे जाती है जुल्म सितम, ये दो शब्दों में कितनी ताकत है आपकी खातर, हस हस के सहे जाते हैं ये द्वंद केवल आपकी खातर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम प्राणनाथ केवल आपकी खातर, एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातर, ये हो गया आपकी खातर। इन शब्दों में कितना प्यार भरा है, आपकी इकट्ठा लिखना, दो शब्द है सिर्फ, आपकी इकट्ठा और खातिर, आपकी खातर, इनमें प्यार कितना है, इनमें इज्जत कितनी है, इनमें रस कितना है, आपकी खातर। अगर ये भगवान के प्रति हो जाए, ये शब्द भगवान की ओर लग जाए, लोक भी बन गया परलोक भी बन गया, इसी को भक्ति कहती है, आपकी खातर है, और जिसके अंदर है उसको भक्त कहते हैं, आपकी खातर केवल आपकी खातर। वाह वाह, अब आप सह जाएंगे सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ भी आएगा, मेरी माताओं मेरी बेटियों बुजुर्गों मेरे कल्याणकामी भाइयों, अब सह जाए, चूंकि मन में प्रेम उमड़ आया, आपकी खातर केवल आपकी खातर, बस अब निकल जाओगे, अब क्या होगा, मन का तवाजन बना रहेगा। बात तो सारी ये गए, संसार में कोई चीज ना घटे हमारे मुताबिक ये नहीं हो सकता, वो तो जैसे भगवान ने नियम बनाए हुए बार बार कह रहा वो तो होगा, हाँ हमारे मन पे असर ना हो ये है सबसे बड़ी बात, हमारे मन पे उसका प्रभाव ना पड़े। संसार में तो भगवान के नियम के अनुसार कभी गर्मी कभी सर्दी आएगी आएगी, कभी दिन कभी रात आएगा आएगा, कभी बसंत कभी पतझड़ आएगी जरूर आएगी, कभी इसी शरीर पर सेहत और बीमारी आएगी आएगी, हमारे बस की बात नहीं, वी आर इंटायरली हेल्पलेस, यू आर ऑल एंड वी हेल्पलेस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो आएंगे। हाँ कभी घर में नंदी आएंगी आएंगी, और सारी तेज से प्यार करेगी तो हो नहीं सकता, सारों को अनुकूल तू बन जाए ये हो नहीं सकता, तो कोई प्यार करेगी कोई रख के सुनाएगी भी सही, हाँ तो फिर क्या होगा, हमारे पे असर ना हो, ये बात सबसे बड़ी हिम्मत की बात यह है कि हमारे पर प्रभाव ना पड़े, ये रब से ना कहो ऐसा ना हो, ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे
मिले जुले भले बुरे संस्कार है, तब भी मेरा और आपका इंसानी जन्म हुआ है, मानुष चोला तब भी मिला है। निकालो अठारवे अध्याय में क्या कहा, भले या बुरे या मुरक्कब समर, इष्ट अनिष्ट और मिश्रत, ये जब संस्कार मिलती है ना, हाँ गुड बैड एंड मिक्स्ड एक्शंस, गुड प्लस बैड प्लस मिक्स्ड, तब हमें ये चोला मिला है, तब हमें ये मनुष्य जामा मिला मेरी दीदियों। हाँ तो जब हमारे भले कर्म होते हैं तो हर चीज हमारे अनुकूल, माँ बाप बहन भाई शरीर शरूर सब, और जब बुरे दिन आएंगे तो तब उल्टे पुलटे होंगे। पर अगर भगवान को अपना बना रखा है, ठीक है मेरे, मेरा कल्याण इसमें है मेरे दाता, जो भी आप कर रहे हैं आपके हुक्म के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, ये जो कुछ आ रहा है ठीक है मेरे मालिक, तब तो आप द्वंद्व में बराबर रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी इच्छा ही को नहीं रखी, आपने अपनी कामना ही रखी इसी अवस्था पर, मन के इस सतर पर मेरे भगवान जी कह रहे हैं, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, ओए ना हसीद ना पाबंद इस दाद गए। परमात्मा से प्रार्थना करो ये अवस्था बन जाए, ये ना कहा करो ये ना हो वो ना हो, ना दाता जो आपकी इच्छा हो वही हुआ करे, जो आप चाहती है वही हो। हाँ हमें सहने की ताकत दे, कि हमें बर्दाश्त करने की ताकत दो मेरे प्राणनाथ, होता रहे ये हो जाए ये तो होता रहेगा, ये कहा करो, मैं नारी हूं, आपने मुझे नारी के चोले में भेजा है, मेरा जीव आपने नारी के चोले में भेजा है, बड़ा अच्छा किया, लेकिन मुझे सहने की ताकत भी दे दो मेरे इष्ट देव, मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति भी दे दो मेरे मालिक। ये बात भगवान बड़े खुश होंगे, विशाख रो के कह दिया करो, मुझे सैनिक की ताकत दो, आपने मुझे ग्रस्त आश्रम में भेजा है। हाँ अगर तुम बुरा ना मानो एक बात महापुरुषों की कह दू, कह दे बाबा, कल युग में गृहस्थी बनना शाप है, है? बेटी कल युग में ग्रस्त आश्रम शाप है, शाला कल युग में गृहस्थी बनी चुड़ चुड़ के मरी, कल युग में गृहस्थी ये शाप है, गाली है कि मेरा तो नहीं वास चलता, लेकिन मैं शाप दे रहा हूं कि कल युग का गृहस्थी बनी, कल युग का गृहस्थी बनी, सतयुग का नहीं, त्रेता का नहीं, द्वापर का नहीं, कल युग का गृहस्थी, क्या मतलब कल युग का गृहस्थी, कभी कुछ, कल युग का मतलब ये है, सतयुग में ऐसा नहीं होता था, त्रेता में थोड़ी से बदला, द्वापर में आधा स्वा हो गया, कल युग में तीन हिस्से स्वा है और एक हिस्सा थोड़ा सा रह गया, और उसको भी ग्रह लगने वाला है, कल युग में बात ही बात में कभी कुछ, कभी अपनी पत्नी बिगड़ी पड़ी, कभी अपने पति देव बिगड़े, कभी अपने पेट का पुत्र बिगड़ा पड़ा है, कभी अपने शरीर बिगड़ा पड़ा है, कभी वातावरण खराब हुआ पड़ा है, बात बात में बात बात में, चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा, चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा, चल मेरी गुड़िया रंग, बात बात में गुड़िया रंग बदल रही है, तो अब सहने की ताकत कोई नहीं, इतनी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और देवी देवता भी नाराज है, क्या बरसात या तो करेंगे नहीं, या करेंगे तो कानों को हाथ लगवा देंगे हमारे, और गर्मी इतनी देंगे जो बर्दाश्त होने से बाहर हो जाती है, हैं? शाबाश, या सूर्य कई देर सर्दियों में नहीं निकलेगा, ये उल्टी पुल्टी बातें जैसे पहले शास्त्रों में, अब नहीं होगा, अब उल्टी पुल्टी बातें, अब इस उल्टी पुल्टी बातों में हम भक्ति कर रहे हैं, तो कल युग शाप होता है मेरी देवियों, इस शाप को कैसे निभाया जाए, भगवान के विचारों से, भगवान की भक्ति से, अगर साइकिल चलाना है तो हर तीसरे दिन, या स्कूटर है या कुछ है, ऑयलिंग कर लिया करो तो हल्का चलेगा ना, कोई भी आपके पास मशीनरी है ऑयलिंग जरूर होनी चाहिए। हाँ और अगर दंतों में सुख से रहना है तो महापुरुषों ने कहा भक्ति के ऑयलिंग कर लिया करो, जैसे मशीनरी के लिए ऑयलिंग काम कर जाती है, इसी तरह कल युग में भगवान का दिव्य प्रेम ऑयलिंग का काम कर जाता है, किसके लिए, बुद्धि के लिए और मन के लिए, ये जस्ट लाइक ऑयलिंग, ऑयलिंग जैसे तू मशीन चलाती है ना कपड़े सीने वाली, हाँ तो वहां लिखा होता है ऑयल और तीर का निशान दिया होता है, वे अपनी कुप्पी ले और इसके अंदर दो तीन कतरे डाल दे तीर के, ओ गुड ओ गुड, तो मशीन हल्की चलेगी, आवाज खरखर 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 नहीं आएगी, मशीन चलेगी पता ही लगेगा चल रही है कि नहीं। इसी तरह अगर भक्ति जैसे प्रेम बढ़ता जा रहा है और बढ़ जाए, अपने आप को हम निछावर कर दे तो ठीक है, जो भी होता है बड़े प्रेम से सह जाएंगे, अब शाप नहीं रहेगा, शाप तब है जब बात बात में तब्दीली हो रही हो और सहन ना होता हो, तब गृहस्थी हमारे लिए कर्ष जाती है, कर्ष, गृहस्थ आश्रम कल युग में कर्ष होता है,
अर्थात क्या होता है, ये शौक होता है, या सेहत की कमी, या प्यार की कमी, या धन की कमी, खर्च ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात पर, खर्चे बढ़ाई जा रही है, ये नहीं सोचते कि जिस लिहाज से मैं धिया पुत्र पैदा कर रहा हूं, जिस लिहाज से मैंने शादी की या श्रीमती को लाया हूं, हाँ वो तो पक्के रहेंगे, आमदनी भी मेरी पक्की है कि नहीं। शायद कोई माई का लाल लाखों में एक आध हो जिसने ये सोचो कि आमदनी भी पक्की है कि नहीं, जब खर्चे मेरे पक्के, श्रीमान श्रीमती लाया पक्का खर्चा, हाँ बेटे बना लिए पक्के, धिया बना ली पक्के, अपना शरीर रखा हुआ पक्का, माँ बाप को मैं निकाल नहीं सकता वो मेरे साथ ही है, इस तरह आमदनी पक्की है कि नहीं, ये कोई नहीं सोचेगा। तब आती है गम पे गम, जब खर्चो ज्यादा आमदनी कम, कोई भी नहीं सोचता इस बात पर, कोई विचार नहीं करता कि अगर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं तो मेरी आमदनी भी उसी लिहाज से बढ़नी चाहिए। पर कलयुग में है क्या, खर्चे बढ़ती है खरगोश की गति से और आमदनी आती है कछुए की गति से। अब दोनों में क्या होगा, रोना पिटना, कछुआ कहां और खरगोश के चौकड़ियां भरना कहां और कछुए का थोड़ा थोड़ा पैर रखना कहां, वाह। इसलिए ये शाप हो जाता है, कलयुग में सेहत नहीं मिलती, कलयुग में प्यार नहीं मिलता, कलयुग में धन की कमी होती है, कलयुग में मिल वर्तन नहीं होता, कलयुग में तीन गुण नहीं होते, यहां ये तीन गुण है वहां स्वर्ग है। बाबा बता बता बता, है आपके घर में तीन गुण है, आपके कलेजी और मन और अंतःकरण में तीन गुण है, कौन सी, जहां ये तीन गुण है वह स्वर्ग है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो तीर्थ है, चाहे वो कलेजा है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे पति पत्नी है, कोई भी, चाहे यार दोस्त है, जिनमें ये तीन है, उद्योगी सहयोगी उपयोगी, मेहनती हो उद्योगी, सहयोगी कोऑपरेशन देने वाले हो, उपयोगी वेरी वेरी यूजफुल टू ईच अदर है, उद्योगी सहयोगी उपयोगी, उद्योग सहयोग उपयोग, जहां ये तीनों गुण है वह स्वर्ग। एक ने कहा 10 आदमी लगे लो मैं हम कर देती है, और मित्र आलसी, कलयुग में तो आलस बड़ा बहुत बड़ा बड़ा, नींद बहुत ज्यादा है, परमाती हम है आलसी है, और स्वर्ग होता है जहां उद्योग हो सारे मेहनत मारने वाले, सहयोग हो मिलवर्तन हो, और उपयोग हो लाभकारी हो दूसरे के लिए हो, पति समझे कि पत्नी का मेरे पास होना अनिवार्य है, और पत्नी कहे पति देव का मेरे साथ होना अनिवार्य है, धिया पुत्रों का होना अनिवार्य है, माँ बाप मेरे सास ससुर का, वो इतने उपयोगी बन जाए एक दूसरे के लिए, नहीं इनके बिना गृहस्थी चलनी मुश्किल, इनके बिना मुश्किल, इतने उपयोगी हो आपस में कि ये गए तो मेरा परिवार मेरा गर्क हुआ, इतने उपयोगी है, इतने कोऑपरेटिव यानी सहयोग देने वाले, हाथ बटाने वाले, इतने फ्रूटफुल, मैं यूजफुल भी नहीं कहूंगा, फ्रूटफुल, इतनी फ्रूटफुल, हाँ पढ़ाई शब्द अंग्रेजी का फ्रूटफुल मतलब यूजफुल, पर यूजफुल से भी जो ऊंचा निकल जाए उसे बोलते हैं फ्रूटफुल, इतने मिठे दूसरे के लिए, वो कलयुग में नहीं होते, कलयुग में उद्योगी नहीं होते, सगी दो बहने में नहीं होता, मैं तेरी सतीली बहन, जो भी काम मेरे लिए कहती है कि मैं तेरी सतीली हूं, कुछ उसको भी कहा कर उसको तो भुच्चर बना देना है, लो तो क्या हो गया कि वो नहीं करते तू ही कर ले, पर नहीं, एक ही तो खून है, बहनों बहनों में प्यार नहीं, भाइयों भाइयों में आपस में प्यार नहीं, कलयुग ये तभी तो नरक बनना है, तो नरक कोठे से थोड़ा गिरेगा या आसमान से गिरेगा, यूं नरक बन जाएगा, हाय हाय। फिर भी शुक्र मनाओ भगवान ने भक्ति दिया आपको, फिर भी शुक्र मनाओ आपको पढ़ाने वाला भगवान ने ट्यूटर दिया कि इनको सबक याद करा, इनको गीता का एक एक शब्द समझा बता, इनके अंदर पता नहीं कौन से पुण्य करके आए, कौन से आपने पुण्य किए हैं, हमारे जैसे संसार से उकताए हुए घबराए हुए संसार से भागे हुए ऐसे सेवा कर रही है जैसे भगवान ने गले में जंजीर बांध के आपके सेवा के किले के साथ बांध रखा हो। सेवा मुझे किला लगता है खूंटा, और आपकी सेवा जंजीर लगती है कि बांध दिया, यानी एक वैरागी आदमी कहां बनता है, कहां वो सवेरे शाम आपकी सेवा करेगा, जो उकताया हुआ संसार से घबराया हुआ घर बार को लात मारे हुए वो आपकी सवेरे शाम सेवा करे, सवेरे शाम और दिलो जान से सेवा करे, ये तो परमात्मा ऐसा करवा रहे हैं, मेरे जैसे जब सेवा कर रहे हो ना दिन रात उत्साह के साथ, तो समझे झोटा भी दूध दे रहा है, मैं आपकी सच्चाई बोल रहा हूं कि एक झोटे से भी दूध मिल रहा है आपको, झोटी से, हाँ झोटा तो दूध देता, भैंस दूध देती है, भैंस थोड़ा दूध देता है, गैया दूध देती है, जब मेरे जैसे को सेवा करते हुए देखो रब ने कमाल कर दिया कि झोटे से दूध दिला रही है,
एक वैरागी से सेवा करवा रही है, जिसने घर बार को लात मारी हुई है संसार को, उससे सवेरी शाम करवा रही है। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, जब भगवान चाहे तो सब कुछ करवा देते हैं। ऐब ये जकड़ रखा है कि नहीं ये तो करना ही होगा, जो आज्ञा प्रभु जो आज्ञा। हमने पूजा समझ लिया, पिट के क्यों करे, हाथ सज के क्यों ना करे, हमने पूजा समझ, ठीक है प्रभु जैसे आप चाहते हैं, सिर झुका हुआ कर रहे हमने हमारी ये पूजा, यही मेरी पूजा है, ठीक है मेरे पर, जिसमें तुम खुश हो वैसे हम खुश हैं। इस पे तो हो जाएगा तो निभ जाएगा बच्चे, तब तो क्या होगा, तब सर्दी गर्मी सुख दुख जो भी भगवान भेजते हैं, हाँ एक समान, ऑल इक्वल टू यू, ऑल इक्वल टू मी, कुछ भी होता रहे। है अवस्था ऐसी आपकी, है ऐसी अवस्था, रोज आती है तू, रोज इतना कीमती टाइम लेती है और घर के कई धंधे छोड़ के आना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता, जल्दी जल्दी दोपहर को करना पड़ता है, नींद भी आप कहीं ने छोड़ दिया अपना, आराम भी दोपहर का छोड़ दिया कि ये काम करने में श्रीमान को मौका ना दूं, अपनी सास मेरी बिड़ी शनिवार की पैदा हुई है, एक मेरी सास शनिवार में पैदा हुई है और गर्मियों में पैदा हुई है, चलो सर्दियों में पैदा होती है ही गर्मी दी पैदा, प्रोडक्शन गर्मियों दी है, और एक शनिवार था उस दिन, तो फिर आप मौके नहीं देती, पहले ही काम कर करा के आ जाती हो, कितनी होशियारी, आपका आराम गया, कितनी कुर्बानी करके आती हो, शाबाश। तो फिर आगे ये देख लो कि जो मेरे भगवान फिर कहे मैं बिल्कुल उसको अपने अंदर रख लू, कहीं मेरे बुजुर्ग बुजुर्गी में भी कुर्बानी करके आती है, कहीं मेरे यंग मैन रोज झूठ बोल के आती है, नहीं मेरे बेटे मेरा कहना मानो, स्पष्ट बोल के आओ, स्पष्ट कहे अपना परलोक बनाने के लिए भगवान की वाणी सुनने जाता हूं, सीधा ही यार सुनना रब दी वाणी और झूठ बोल के, वाह वाह वाह, पीना दुध हाँ और मिट्टी के कटोरे, ये क्या गल्ला मार दे, पीना दुध और वो भी ताजा और मिट्टी का कटोरा, ये तो अच्छी बात नहीं है, सोने के कटोरे में तो दे रहा हूं आपको, हम मिट्टी के कटोरे में झूठ बोल के क्यों लेती हैं, चलाकी करके करते हैं, सीधा घोड़ा रड़े मैदान, सीधी बात, हम तो भगवान की वाणी सुनने जाते हैं अपना परलोक बनाने के लिए, बेटी बस अंदर रखते जाओ कि ये मेरी अवस्था बन गई, ये मेरी अवस्था होगी, क्या जो मिल जाए लेकर वही साथ है, जैसे भगवान कर दे ठीक है मेरी मालिक, मेरे सिर झुका हुआ, फिर सारे द्वंद आपकी कसम शर्मिंदा हो जाए, सब सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ मान पान योग वियोग जीवन मरण सब शर्मिंदा, क्योंकि आपने तो आगे कोई अपनी इच्छा रखी कोई नहीं, हाँ जो भगवान की इच्छा, तो परमात्मा की कसम काल भी आपको देखकर, बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं, काल आपके शरीर को बाद में छुएगा, पहले अपने दोनों हाथ दोनों पैर जोड़ेगा कि पहले मैं तुझे प्रणाम कर लूं, और रब दे प्यारे ओ तुझे मैं क्या ले जाऊं, तू तो पहले ही मरा पड़ा है, हाय हाय मरने तू पहले मर गए, ओ मौत नु की जान दे, जरा ये लाइन पकड़ लो मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी, मरने तू पहले मर गए ओ मौत नु की जान दे, उनके लिए मौत इंटायरली मीनिंगलेस, जिन्होंने पहले ही अपने आप को मार रखा, मार रखे का मतलब जहर ले रखी है, नहीं सारी कामनाएं छोड़ रखी, सामने इच्छाएं खत्म कर दी, मरने तो पहले मर गए वो मौत नु की जान, काल भी हाथ जोड़ता है प्रणाम करता है कि तुझे ओ सजना ओ देवी में तुझे क्या ले जाऊं, तू तो पहले ही अपने आप को खत्म किए बैठी, शाबाश 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 मेरी देवी और मेरे सजनों, अब मैं हूं या आप, धंधों का मुकाबला कर लेंगे, हमारे चेहरे पर कभी शिकवा नहीं आएगा, ललाट पर कभी हमारे जो है करवटे नहीं आएंगी, हंस हंस के कोई बात नहीं मेरे दाता, कोई बात नहीं मेरे प्रभु, अगर शरीर के प्यार करने वाले लैला मजनू आपस में एक मजनू कह सकता है क्या, तू कौन है, मैं कुत्ता हूं, काले रंग वाला कुत्ता हूं, हाँ तू मेरे पास क्यों आया है, तेरे खास तेरे साथ खास प्यार है, क्यों तेरा मुंह चूमना चाहता हूं, चूम ले, इधर भी चूमना चाहता हूं, इधर भी चूम ले, पर क्यों क्या बात, मैं तेरी लैला का पाला हुआ हूं, ओए हाय फिर मुंह को चूमता है, फिर मैं तेरी छाती से आलिंगन क्यों ना कर लूं, तू मेरी लैला का भेजा हुआ आया है, हाँ तेरा मैं संदेश मैं कुछ संदेशा लाया हूं, कुछ संदेशा ले जाने वाला हूं, तो कहावत मशहूर हो गई, अगर लैला प्यारी है तो लैला का कुत्ता भी प्यारा, और इसी तरह आप अप्लाई करो, अगर भगवान प्यारे हैं तो भगवान द्वारा भेजी गई हर स्थिति हमें प्यारी, हर स्थिति हर परिस्थिति हर एटमॉस्फेयर हर एनवायरमेंट, हम सच्चे दिल से कहें अगर लैला प्यारी है तो लैला के घर से आया हुआ कुत्ता भी प्यारा मजनू को होना चाहिए, होता है
अगर भगवान हमारे प्यारे गए, भगवान जो घटना घटा दे, जो हालात पैदा कर दे, ठीक है मेरे मालिक, आप तो अंतर्यामी प्रभु, मैं तो सिर झुका के स्वीकार कर रहा हूं। ये वो है भगवान का पक्का भगत, वो है मेरे भगवान की सच्ची देवी, जो जैसी स्थिति आ जाती है डट के मुकाबला करके हंस हंस के ले लेती है। शाबाश, इसी अवस्था को पहली पातशाही कह तो गई, पर कोई अपना भी रहा होगा जरूर, जब गुरुद्वारे में इतना जोर का बोला जाता है और अखंड पाठ किया जाता है, तो कोई तो अपनाता होगा। जो तुद भाए सोई भली कार, क्यों तू सदा सलामत, एक आप रहने वाले हो मेरे प्रभु निरंकार, हे मेरे सर्वव्यापी परमात्मा, एक आपकी जात में रहना है, इसी जो आप कर रही है सलामत है, स्वीकार है, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भाए, जो आपको भाना आपकी स्वीकार है, सोई भली कार, वो मेरे लिए स्वीकार है। भली कार का अर्थ लगाना मेरे भले के लिए है, मेरी बेटरमेंट के लिए है, इट इज फॉर माई बेटरमेंट, व्हाट एवर यू डू ओ माई लॉर्ड कृष्णा, व्हाट एवर यू डू इट इज फॉर माई बेटरमेंट। और फिर बेड़ा पार है आपका, फिर द्वंद क्या करेंगे आपके साथ, फिर द्वंद मुकाबला क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर में बातें कहना चाहता हूं, जो रोज समाज में आप देखते होंगे, नहीं देखी तो फिर देख लेना, क्या हर कुत्ता डंडे खाता है, बेटी मेरे सुन, लेकिन एक कुत्ता नहीं, हर कुत्ता डंडे खाता है लेकिन एक कुत्ता नहीं। आप डंडा ले आए, हाँ वो लेट के यू हो गया, हे हे मारो डंडा मारो, कई कुत्ता यू लेट जाती है, ए यू उल्टे लेट जाएंगे, ऊपर पैर कर लेंगे, मारो आप, नहीं क्या मारे इस बेचारे को, वो लेट जाएंगे, इस कुत्ते को नहीं मार खाता। जब कोई भी घटना लेट जाए, रब दा प्यारा लेट जाए, जो आपकी इच्छा, उसको कोई नहीं मारता, उसके दंड कुछ नहीं बिगाड़ते। मन में रख लो, मन में रख लो, मन में रख लो, मेरी भगवती लेटे हुए कुत्ते को लेट ही गया, तेरी मर्जी, मार ले मार ले और मार ले, नहीं एक भी डंडा नहीं उठेगा। कई कुत्ते भोंकते हैं, मुकाबला करते हैं और डंडे मारते हो, तो रजोगुणी तमोगुणी भोंकती है रब के आगे, रब और मार देता है, और बीमारियां लग गई, कोई और टंटा पड़ गया, धन की कमी होगी, रब दे प्यारे लेट जाती है, रब दे गे, जो तेरी इच्छा ओ मेरे मालिक, जो आपकी इच्छा, मेरी भलाई इसी में है, मेरी बेहतरी इसी में है। कहो ना अपने मन को समझा लो, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे किए मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। बात ही खत्म हो गई, फिर तो एक बात रह गई, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर, फिर तो हम इंस्ट्रूमेंट है इन लॉर्ड कृष्णा हैंड्स, वी आर नियर इंस्ट्रूमेंट। लो अब मैं और आप दोनों हंस हंस के मुकाबला करें, जैसी घटना घट जाए, जैसे वातावरण बन जाए, जैसी द्वंद आ जाए, सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, ठीक है मेरे प्रभु, हमारे दोनों हाथ जुड़ जाएंगी, हमारा स्वीकृति वाला सिर झुक जाएगा, ठीक है मेरे मालिक, बस मेरे भगवान बड़े खुश अगर आपने ये स्वभाव बना लिया। एक देखो पिट पिट के गुजार रहा है, शिकवे दे के गुजार रहा है, और एक सिर झुका के हाथ जोड़ के गुजार रहा है, दोनों में कितना अंतर है, एक नास्तिक है एक आस्तिक है, एक शिकवे दे करके रब को नाराज कर रहा है, और एक सिर झुका के हाथ जोड़ के भगवान से प्रेम ले रहा है, भगवान से भक्ति ले रहा है, नहीं नहीं भगवान से दिव्य शक्ति ले रहा। शाबाश, ऐसे बन जाओ, परमात्मा करे जो आज प्रसंग चलाया मेरे भगवान ने, मैं और आप इसी जुमरे में आ जाए, इसी कैटेगरी में आ जाओ मेरी देवियों, हाथ जोड़ दिए, ठीक है मेरे मालिक, मेरा भला इसी में है, जो मैंने पुण्य किए थे वो दिन वो भी मैंने देखे हैं, जो मेरे पाप है वो मुझसे भुगताना चाहते हो ना, ये भी मैंने ही देखने गए, वो मैंने ही करना है मेरे पति, बिल्कुल ठीक है। आहा, मैंने बिजली फूंकी है तो मैंने ही बिल देना है, पहले इतनी कंज्यूम नहीं करते थे तो हम 70 रुपया देते थे, अब हमारी कंजम्पशन ज्यादा है तो 150 रुपया आया, 200 रुपया आया, अब आपने कई इलेक्ट्रिसिटी प्वाइंट रख लिया घर के अंदर, तो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी, तो सुख है दुख है ये हमारी अपनी कंजम्पशन है, हाय हाय ये हमने खुद ऐसा इस्तेमाल किया है, आ जाओ असस के बर्दाश्त करो। ये मेरे भगवान इस अवस्था में कह देंगे, ये मेरे भक्त के आगे सर्दी आए तो सिर झुकाता है, गर्मी आ जाए तो सिर झुका देता है, वो बुरा नहीं मनाता, ठीक है मेरे प्रभु आपने भेजा है ना, और मेरे कल्याण के लिए भेजा है, आपने भेजा है मेरे कल्याण के लिए भेजा है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं कह के खामोश हो जाऊं, बाबा क्या ज्ञानी भुगते हंस के अज्ञानी भुगते रोए, अब सचमुच हम ज्ञानी, इतनी चोटी का ज्ञान सुना है गीता जी का, इतनी चोटी का ज्ञान, जिस ज्ञान के मुकाबले में त्रिलोकी में और कोई ज्ञान नहीं रखा जाता, लासानी ज्ञान कहती है, अनुपम ज्ञान कहती है,
गीता का ज्ञान अनुपम है, यूनिक है, अनपैरेलल है, मैचलेस है। हाय हाय, ये ज्ञान मुझे और आपको श्रवण करने का भगवान ने सु अवसर नहीं स्वर्ण अवसर दिया है। स्वर्ण अवसर, रियली इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसका हम लाभ उठा करके अपने मन में रख लिया कि जो मेरे भगवान करेंगे बिल्कुल ठीक है, जो मेरे मेरी भलाई है पक्का कर लो मेरी बेटी, हमेशा खुश रहूंगा। आपको भगवान ने गारंटी दे दी हमेशा खुश रहने, बिल्कुल शांत रहेंगे, सिर झुका देंगे, ठीक है मेरे मालिक। चूंकि मैंने कहा कल युग में बहुत बहुत भी हालात बदलती हैं, वाक्यात बदलती हैं, है बात बात में शरीर की, हाँ परिवार की, हाँ गली की, हाँ मोहल्ले की, हाँ नगर की, हाँ अपने देश की, हाँ नहीं सारे संसार की, बात बात में बदलती हैं हालात, बात बात में कौन फिर बर्दाश्त करेगा। एक ही बात, जो रब दा प्यारा जिसके अंदर भगवान का दिव्य प्रेम है वो सहन कर जाए, दूसरा घबरा जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। जैसे हालात आप देख रहे, नहीं सहन हुआ कोई बात, आत्महत्या, नहीं सहन हुआ भगवान को गालियां देनी शुरू कर दी, नहीं सहन हुआ शिकवे दे 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 के मर गए हैं, हाँ नहीं सहन हुआ मंदिर गुरुद्वारे जाना ही छोड़ दिया, एक तेरे मंदिर चाह भी एक तेरे जाप करें, हाँ फिर तू ऐसी ऐसी घटना घटांदा है, ऐ पे ये माला थे, ऐ पे तेरी कंठी, आप पता जपते कोई नहीं, तो रब का क्या बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा, हम जलील खराब और बर्बाद हो जाएंगे। आओ पक्के रहो कि जो मेरे भगवान कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो मेरे प्रभु कर रहे हैं, देना मेरे प्रभु इन सबको शक्ति, अपने प्रसंग अनुसार हर एक को शक्ति दे दो कि आपके इस फरमान को अपने हर एक कर्म में ले आए, अपने अंतःकरण में सदा के लिए बिठा ले। जो मिल जाए लेकर वही शादे, बोलिए जो मिल जाए लेकर, दिल से बोलो, शुद्ध अंतःकरण से बोलो, मेरी देवी और मेरे सजनों, जो मिल जाए लेकर वही शादे, ओहो श्री भगवान वाच, जो मिल जाए लेकर वही शादे, कुछ भी आ गया शायद मेरे प्रसन्न है, जो मिल जाए, जैसे सर्दी आई, गर्मी आई, सुख आया, दुख आया, मान अपमान आया, सेहत आई, बीमारी आई, जो मिल जाए लेकर वही शायद है। हसद सड़ता कुड़ता नहीं रहता, वो ईर्ष्यालु नहीं बनता, हसद मैंने हसद करने वाला, ईर्ष्यालु सड़ने वाला, पे अंतःकरण को तंदूर बना के साड़ने वाला, ना वो हसद नहीं है, ना हसद ना पाबंद है इस दाद, वो इन दंदों के पाबंद भी नहीं है, सर्दी गर्मी सुख दुख इसके अधीन भी नहीं है, क्यों, वो भगवान के अधीन है, वो परमात्मा का अधीन है, इसलिए ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। जो मिल जाए लेकर वही शाद है, ध्यान से सुन लो, ये हमारे इष्ट देव जी फरमा रहे हैं, जो मिल जाए भगवान अपने भक्त के लिए कह रहे हैं, दुर्योधन के लिए नहीं कह रहे, अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं, ऐरा गहरा आज की मॉडर्न गर्ल के लिए नहीं कह रहे, ए मॉडर्न गर्ल के लिए नहीं कह रहे, मीरा के लिए कह रही है, सुखो बाई के लिए कह रही है, करमैती बाई के लिए कह रही है, गौरगी के लिए कह रही है, हर एक के लिए नहीं है, भगवान अपने प्यारे के लिए कह रही है। हाय, जो मिल जाए लेकर वही शाद, ना हासिद ना पाबंद इस दाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
सफर करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।